समझने जो ये कल जई कॉन्सोलमेट फिल्म अवार्ड्स का जो अभी स्थापना की है, ये बहुत ही अच्छा उनका एक प्रयास है और हम बहुत से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। एक्साइटेड हूँ, मैं फर्स्ट टाइम इस तरह के अवार्ड शो होस्ट कर रही हूँ और साथ में अमन वर्मा जी हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्किंग विथ हिम। मैंने ऐसे काफ़ी सारे मैथोलॉजिकल शोज़ मैंने होस्ट किए हैं, करीबन मैंने 1000 एपिसोड मैंने होस्ट किए हैं। सो ये एक अलग एक्सपीरियंस है और एक अलग तरीके का ये शो भी है। ऐसा अवार्ड्स जनरली हमारी इंडस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। फिल्म कालजई सोलमेट फिल्म एंड एकेडमी अवार्ड, सो ये मेरे पिताजी की देन है। तो मैंने एक चीज़ मेरे फादर से मैंने ये अडॉप्ट किया कि एज एन एस्ट्रोलॉजर जो भी ये मुझे देते हैं मैं अडॉप्ट कर लेती हूँ, बिकॉज मेरे लिए ही अच्छा रहता है वो। सो मैं इसको होस्ट करने के साथ साथ ये भी देख रही हूँ कि आगे भी फ्यूचर में इस अवार्ड को मैं इस्टेब्लिश करूँ और अच्छे से फॉलो में लेकर के जाऊँ। पहले मैं अपना इंट्रो दे दूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुमनेश्री कालजई है। मैं एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी दिनों से समझिए कि पैदल लेते एस्ट्रोलॉजी में ही पैदा लिया और उस समय से जो प्रकाश करता चला आज भी करता चला रहा। संजोग से शरद जी यहाँ पर हैं। शरद जी मायापुरी में मेरे 5-6 साल से छाप रहे हैं एज ए एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट बहुत सारे टीवी बहुत सारे फिल्म के लोगों का टॉप के लोगों का। और एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट में उन लोगों का कैसे करता हूँ, जस्ट डिपेंड ऑन फेस्ट्रोलॉजी। मैंने सोनाक्षी के लिए 2013 में फोरकास्ट किया था कि गोल्डन टाइम है और जस्ट जो 2014 में मुझे मजबूर होकर फोरकास्ट करना पड़ा कि गुब्बारे की हवा फट से निकलेगी। वो दिन है और क्या दिन है, वो उसके फोरकास्ट उसी तरह है, कोई चेंज नहीं। मैं बता रहा था एस्ट्रोलॉजर को ये अवार्ड करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो एक्चुअली मैं अपने डॉटर को लॉन्च करने के लिए एक पिक्चर बनाया VFX की 100% लीला दी सोलमेट। तो सोलमेट को डिफाइन करने के लिए फिल्म में करते करते हमारे समझ में कुछ बात आई। क्या बात है कि देखिए सोलमेट को सही ढंग से अभी परिभाषित नहीं किया गया है। लोग सोलमेट को क्या लेते हैं, सिर्फ लव से लेते हैं। सोलमेट मतलब दो आत्माएं जब एक हो जाती है तो उसको सोलमेट कहते हैं। माने आत्मा का दोस्त को सोलमेट कहते हैं। मेरे मूवी का एक सेकंड नेम भी है हिंदी में आत्मिक प्यार। लेकिन मेरी सोच ये भी है कि आपका प्रोफेशन आपके पैशन से 100% मिल जाता है। जैसे आप एक जर्नलिस्ट, अब सवाल इस बात का है कि 12 बजे रात में कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो घर में वाली जो सोलमेट हैं उसको छोड़ के आपको बाहर जाना पड़े, क्योंकि वहाँ पर आपके प्रोफेशन का तकाजा है कि प्रोफेशन। तो मेरा एक थॉट ऐसा आ गया कि प्रोफेशन अगर पैशन बन जाए तो भी आपका सोलमेट। थैंक यू गुरुजी। मुझे से एक छोटा सा एक्टर को उन्होंने सोचा जो भाई इसको एक अवार्ड दिया जाए। ऑल द बेस्ट कालजई सोलमेट फिल्म एंड एकेडमी अवार्ड, जो ऐसा एक अवार्ड है इंडस्ट्री में जो बहुत ही कम होता ही नहीं है और बहुत अच्छा अवार्ड है। वेल आई थिंक एक नया कॉन्सेप्ट है। शोज़ वगैरह तो मैं बहुत होस्ट करता रहता हूँ। द कॉन्सेप्ट इज अबाउट हैविंग अ सोलमेट। अब जहाँ हम सोलमेट की बात करते हैं तो सोलमेट दो लोगों के बीच में भी हो सकता है, आपके प्रोफेशन के बीच में। अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ प्यार करते हैं तो आपका प्रोफेशन आपके लिए सोलमेट हो गया। कभी कभी देखते हैं कि एक डायरेक्टर और किसी प्रोड्यूसर के बीच में बातें बहुत अच्छी बनती हैं तो वो सोलमेट हो जाते हैं। सो अलग अलग तरीकों के सोलमेट्स यहाँ पे उनको अवार्ड दिए जाएंगे। सो कॉन्सेप्ट नया है, सोच नहीं है, एंड डेफिनेटली आई एम एक्साइटेड। लेट्स सी कि वहाँ पे जब अवार्ड सेरेमनी में हम होंगे तो फाइनल मज़ा किस हिसाब से आता है। हाँ, वो मैंने कुछ सुना है कि कुछ उन्होंने हाँ यार, मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे देश में लोग एक दूसरे को जान से मार देते हैं, उसके बाद आप केस करके वो इंसान बाहर घूम रहा होता है, तो उसके बाद मतलब उसने किसी ने धमकी दे दी, किसी ने कुछ कह दिया, उससे ऑनेस्टली कुछ होने वाला नहीं है। हर इंसान जो बिग बॉस में जाता है वो
ये चीज़ लेके जाता है कि उसका थोड़ा नाम होना चाहिए। तो ज़ुबैर खान बाहर आए हैं और वो उस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। आई एम श्योर कि थोड़ा और लंबा रहते तो और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती, अब जितनी है उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। सो दिस इज़ नथिंग न्यू। सर आप क्या कहेंगे, अमन सर जुड़े हैं आप? एक्चुअली मैं अवार्ड में पहले घबरा रहा था, तो हम लोग भी पहले अवार्ड हैं और मैं घबरा रहा था कि एक्चुअली होस्ट के लिए क्या करूं। तो सोच रहा था, समझ रहा था, तभी इनका प्रोफाइल सामने आया और मैं सोचा कि अब एनी हाउ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा इनको। ये मेरी मजबूरी हो गई, मेरे फिल्म की, मेरे अवार्ड की ज़रूरत बन गई, तो इनसे मिला। इज़ वेरी नाइस गुड मैन और हम इनको प्रपोज किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया और मैं बहुत हद तक निश्चिंत हो गया अपने अवार्ड के लिए। क्योंकि क्या है कि एक एंकर जो होता है सो पूरे चीज़ को बांध के रखता है, तो ऐसा क्वालिटी अगर किसी में इंडस्ट्रीज में है तो मेरे नज़र में वामन बर्मा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।